अंकल ये सेवा आप कितने सालों से कर रहे हैं? छह साल हो गए। और प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? बस प्रेरणा आपको भी दोस्तों। लेकिन आप रेगुलर आते हैं? हाँ, अरे वाह, अरे वाह, शानदार। तो आप पर डे इवनिंग में यहाँ दूध देते हैं? हाँ, अरे वाह, बहुत ये अच्छा। सेवादार हाँ हाँ ये तो है, शानदार। जी जी आप ही बटन ले आ दूं देना। रिटायरमेंट के बाद मैंने कहा इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। जी नौकरी ऊपर वाले ही करें। हाँ नमस्ते अंकल, आप अपना परिचय दीजिए। जी आपका शुभ नाम? डॉक्टर थैंक यू वेरी मच, मेरा नाम है विजय शंकर माथा। जी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स है, एज एडमिनिस्ट्रेटर से रिटायर हूँ। ओके। आई रिटायर ड्यूरिंग 2012। यस सर। और जब से मैं लगा था इस काम को कर रहा हूँ सेवा के लिए। अच्छा एक चीज बड़ा जो चीज मुझे इंस्पायर करती है, जैसे यहाँ जितने जितने हमारे पेशेंट्स आए हुए हैं उन्हें तो लगता है कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ तो गवर्नमेंट का है, मतलब उन्हें लगता है कि ये दूध भी जो दूध और ब्रेड जो आप हर दिन शाम में हमारे पेशेंट्स के लिए लाते हैं तो उन्हें तो ये लगता है कि ये तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, जबकि हर कोई चाहता है कि वो जो जो कुछ भी कर रहा है लोग जाने उसको, लेकिन आपको तो कोई नहीं समझ पाता है कि ये पर्सन शाम को आते हैं, जबकि जानने वाले ये सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट की सप्लाई होगी, जबकि आप अपने निजी पैसे से ये हम लोगों के लिए हमारे पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो फिर ऐसे इतनी स्वच्छ इतनी भावनात्मक फीलिंग कैसे आपके मन में आई? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस क्वेश्चन। मैं जब रिटायर हुआ जी तो एक लाइफ में वैक्यूम आ गया था। जी तो कई जगह ऑफर थे कि यहाँ जॉब कर लो, यहाँ जॉब कर लो, ये कर लो, थोड़ा बिजनेस बिजी रहने के लिए। जी रहने के लिए। जी तो वन डे आई थॉट के भाई अगर मैंने नौकरी कर ली है जी तो ऊपर वाले की नौकरी करूँ। अरे वाह। एंड जब इस चैरिटी के लिए मुझे 4 महीने लगे परमिशन लेने के लिए, इस काम को करने के लिए कहाँ से आपने कैसे लिए परमिशन ली? आपके एम्स के जी हेडक्वार्टर से। अरे वाह। डॉक्टर पांडे थे वहाँ पे। हाँ डॉक्टर पांडा सर, हाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ही गिव मी परमिशन, ही केम पर्सनली। ओहो। और यहाँ पे मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आप काम कीजिए। अरे वाह। और डॉक्टर शशिकांत से मिलता रहता हूँ। जी डॉक्टर ये क्या नाम है आपका कौर? हाँ हाँ रणवीर मैम। रणवीर मैम जी जी वो मैं जानता हूँ। अरे वाह। इनफैक्ट जब मैं रिटायर हुआ तो वैक्यूम हो गया, तो फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। अच्छा एज फार एज मनी इज कंसर्न, हाँ हाँ मुझे करीब अराउंड 30,000 रुपए पेंशन मिली। अरे वाह। तो मैंने कहा कुछ पैसा उसका इस काम में खर्च किया जाए। अरे वाह। तो ये मैंने किसी सोसाइटी से किसी से गवर्नमेंट एजेंसी से। और मुझे मुझे ये बात पता चला तो मैं हाईली मतलब मेरे उस दिन रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा कि ये कौन है, मतलब एक फरिश्ता बनकर के आते हैं शाम को जैसे जिंगल बेल टाइप के और आकर के पेशेंट्स को दूध पिला करके ब्रेड खिला करके चले जाते हैं और बस टाइमली आते रहते हैं। ये है जी कि जब मैंने यहाँ पे एक बार देखा जी कि यहाँ पे 60% पेशेंट ऐसे आते हैं जी जिनके साथ कोई नहीं होता और उनके पास साधन भी नहीं होता जी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो पेंशन मिलती है उसमें से एक पार्ट उसका दिया जाए जी, अगर मैं उसमें से 10 आदमियों को ऐसे भूखों को खाने खिला सकूं जी जिसके लिए जी, तो वही मेरा जी 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 जी। अब सवाल ये आ गया कि दूध बस बस जी सर आप क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे? हम बात लाए कि यहाँ पर हमारे जो एम्स के कम्युनिटी डिपार्टमेंट ने पूरा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने आपको पूरा सपोर्ट किया। हाँ, और आपने ये भी देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो गरीब होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं होता जी, और कुछ लोग लेडीज ऐसी आती है उनके पास कोई ऐसा नहीं होता रात को कोई रुक सके, हाँ कोई खाना दे सके जी, इसीलिए मैं ये काम शुरू किया। अच्छा इनिशियल जब मैं यहाँ पर काम शुरू किया जी तो डॉक्टर संजय राव थे जी जी जी, है ना जी, वो ही वॉज वेरी काइंड पर्सन, बहुत बहुत बहुत, और उन्होंने काफी मेरी हेल्प करी जी करने के जी। तो जब मैं काम शुरू किया तो वन डे ही कॉल मी कि माफ़ इतनी आपको परेशानी होती है जी, बॉइल कर, पहले मैं यहाँ पे बॉइल करता था। अरे वाह। हाँ तो वो बोले कि नहीं आप उनको हाइजीन भी रहेगा, हाँ, आपकी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, आप उनको पैक दो। हाँ हाँ मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है कि हमारी मदर ये कहती थी हाँ हाँ
अरे वाह, मतलब इस उम्र में कोई बेटा अपनी माँ को याद करे, इससे ज्यादा माँ के लिए कोई ऐसी शब्द नहीं हो सकते जी। हमारी माँ आपसे ये कहती है, ठीक है, जिस औरत के बच्चा होने वाला होता है उसको जो गर्म दूध है जी वो लुब्रिकेशन का काम करता है जी, और जिसके बच्चा हो जाता है उसको बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसको दाना दूध बनता है उसके पास जी, और तीसरी बात जो दूसरे पेशेंट होते हैं हाँ हाँ उनको भी गर्म दूध नुकसान नहीं करता है जी, जब तक ठंडा रखा तो नुकसान करता है जी। बिसाइड्स यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं कि हमेशा दूध गर्म करके पिला सके, इसलिए मैंने तो उनको मेरी बात बहुत पसंद आई हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि वो है आप इस काम को करते हैं। अरे वाह, जब से इस काम कर। अच्छा अंकल, जैसे जिंदगी में हम लोग बहुत कुछ आपसे सीखते हैं, आप जैसे लोगों से सीखते हैं, लाइफ में कभी ऐसा नहीं लगा कि जब सामने वाले लोगों का कई बार ऐसा भी रिएक्शन होता है जो बहुत अच्छा नहीं होता, वो लोग सोचते हैं कि बस काफी लोग जी तो काफी लोग मुझको बुरी तरह भूल जाते हैं। अच्छा। लेकिन वो मैं समझता हूँ ये ऊपर वाले ने कोई इनको बात ठीक करेगा, इनकी आदतों को मुझे उससे भूल लेना नहीं, मैं अपना काम करके जाता हूँ। जैसे मैं किसी दूध देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी 150 ml दिया जी, मुझे इतना से दूध दे रहे हो आज, अरे बाकी घर ले जाओगे क्या? अरे तो लेकिन मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जितना दूध लाता हूँ बांट के जाता हूँ, और जो बच जाता है वो बाहर बच्चों को पिला के जाता है। अरे वो दूध जो भी हमारे पैसे से निकलता है वो घर में हम हस्बैंड वाइफ यूज नहीं करते। अरे वाह, वाकई वाकई बहुत अच्छा लगा। और जिंदगी भर, बल्कि अंकल मैं एक बात बीच में रोकूंगा, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे जैसे हम डॉक्टर्स ही नहीं समझ पाते हैं कि हम किस प्रोफेशन में, कितने बड़े प्रोफेशन में हैं, जहां पर जैसे आप जैसे बाहर से आकर के मानवता और सेवा के लिए जुड़ना चाहते हैं, हम लोग तो डायरेक्टली इसका पार्ट हैं, बल्कि आप लोग इस चीज को फील कराते हैं कि ठीक है हम ऐसे पोजिशन पे नहीं है जहां हम ताकत दिखा सके, पावर दिखा सके, लेकिन किसी की सेवा तो कर सकते हैं, हम किसी की मदद तो कर सकते हैं, क्यों अंकल? मेरा आपसे एक अपील है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो सिस्टर्स यहाँ पे काम करती हैं, उनको एक ही मैसेज दीजिए मेरा जी, कि वो यहाँ पे सेवा भाव के साथ काम करें। बिल्कुल, जो पेशेंट आते हैं जी वो हो सकता है बुरी तरह ही बोले, लेकिन आपको क्या पता कि उसको घर में आज खाना नहीं मिला। अरे वाह, हो सकता है कि उसके आदमी ने उसको थप्पड़ मारा हो, वाह, या उसको अपना बहुत ज्यादा तकलीफ हो जी, वो तो एग्रीमेंट हो सकता है, या उसका एक व्यवहार का भी एक हिस्सा हो सकता है जो अनकॉन्शियस व्यवहार है। एग्जैक्टली, लेकिन आपको उस पोजिशन में अपना काम बना के रखना है जी, और जहां तक हो सकता है उसकी हेल्प करनी जी, जहां तक पॉसिबल जी। शुक्रिया अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे काफी इंस्पायर्ड हुए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप काइंडली मेरा मैसेज को आगे लोगों को बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोग सेवा भाव से काम करें अस्पताल में। डेफिनेटली अंकल जी।